का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। वो सत्य भी है, वो चिद भी है और वो आनंद घन भी है। अगर आप ये चार चीजें सीख गए तो पूरी गीता आपको आ जाएगी। सबसे पहली चीज क्लैरिटी ऑफ थॉट, दूसरी चीज प्यूरिटी ऑफ हार्ट, तीसरी चीज सिंसेरिटी ऑफ एक्शन और चौथी चीज स्पिरिचुअली कॉन्शियस होना। क्योंकि शरीर, बुद्धि, मन और आत्मा, ये चारों चीजें मिलकर ह्यूमन बनता है। झूठ बोलने से क्या होता है? झूठ बोलने से आपको बहुत पाप मिलेंगे, आप यमराज आपको बहुत मारेंगे। इसलिए आप स्वर्ग जाना है तो झूठ नहीं बोलना। अगर हमारे शरीर में कोई घाव से पीड़ा होती है तो हमें दर्द महसूस होता है। उसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण जगत भगवान का शरीर है। इसमें जो भी कुछ घटित होता है भगवान सब भली भांति जान जाते हैं। सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का एबीपी लाइव धर्मा लाइव पर स्वागत करती हूँ। सनातन की लहर है, हर घर में हर जगह धर्म की बात होती है। जब धर्म की बात होती है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कोई बड़ा इंसान है, बैठा होगा, ज्ञान दे रहा होगा। हम अचंभित तब हो जाते हैं जब कोई छोटा सा बच्चा आए और आपको बहुत सारे श्लोक बताए, आपको भगवद गीता के बारे में बताए और ज्ञान की बातें करे। आज हमारे साथ ऐसी ही बातें करने के लिए मौजूद हैं सिया परमानंद। सिया, सबसे पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि अपने बारे में पहले थोड़ा सा बताइए, आप कितने साल की हैं, आपको भगवद गीता आती है नहीं आती है, क्या आप जानती हैं हमारे धर्म के बारे में, वो बताइए। मैं सिया परमानंद, वात्सल्य मूर्ति परम पूज्य दीदी माँ जी की नन्ही सी बिटिया, मैं 8 साल की हूँ और मुझे गीता के 2 अध्याय आते हैं, 15वां और 12वां। यानी आपको 2 अध्याय आपने पढ़ी है, आपको श्लोक भी आते हैं, तो मैं आगे श्लोक भी बोलूंगी सिया आप लोगों को सुनाए। लेकिन हम भगवान की बात करें, हम भगवद गीता की बात करें, उससे पहले सिया, बहुत सारे लोगों को ना भगवान के बारे में समझ नहीं आता, मतलब लोग कहते हैं भगवान कौन है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपको पता है कि भगवान कौन है, तो बताइए जरा लोगों को कि भगवान कौन है। मैं श्लोक के द्वारा बताना चाहूंगी, सच्चिदानंद पाय विश्वोत्पत्यादि हे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। बहुत प्यारा, लेकिन एक चीज बताइए, आपने श्लोक तो सुना दिया, अगर किसी को संस्कृत नहीं आती है तो वो क्या समझेगा, लोगों को इसका अर्थ समझाइए, क्या है इसका अर्थ? ये श्रीमद् भागवत महात्मा का पहला श्लोक है। भागवत क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। ये श्रीमद् भागवत का महात्म है और ये महात्म का पहला श्लोक है। इस श्लोक में 4 चरण हैं जिसमें भगवान के गुणों का वर्णन किया गया है। भगवान करते क्या हैं, भगवान दिखते कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है। तो पहले चरण में बता दिया कि सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। वो सत्य भी है, वो चिद भी है और वो आनंद घन भी है। सत्यम परम धीमहि, करते क्या है ये, तो कहा विश्वोत्पत्यादि हे तवे, विश्व की उत्पत्ति भी करते हैं, विश्व का पालन भी करते हैं, विश्व का संहार भी करते हैं। लेकिन विश्व की उत्पत्ति से इनको कोई ममता नहीं है, ये विश्व का संहार होता है तो इनको कोई शोक नहीं, और ये विश्व का पालन करते हैं इसका कोई इनको अहंकार नहीं। तो जैसे ममता होती है, जैसे कोई अपने घर में बच्चा आता है तो उसमें ममता होती है, पालन में अभिमान होता है, हम घर चला रहे हैं, हम घर के मुखिया हैं,
हम कमा के नहीं लाएंगे तो इस घर का पालन पोषण कैसे होगा। ये अभिमानी, ये अहंकार है। पालन में अभिमान और संघार में शोक होता है। जब कोई जाता है, मृत्यु होती है तो हृदय में शोक होता है। लेकिन भगवान इन तीनों से परे, न ममता है, न अभिमान है, न शोक है। विश्वोत्पत्त्यादि हे तवे, करते क्या हैंगे? तो कहा विश्वोत्पत्त्यादि हे तवे, ये विश्व की उत्पत्ति भी करते हैं, विश्व का पालन भी करते हैं, विश्व का संघार भी करते हैं। तीन ताप होते हैं, दैविक, दैविक, भौतिक, के तीन ताप होते हैं। जब दैविक, दैहिक ताप होते हैं, यानी कि शरीर के जो ताप होते हैं उनके द्वारा, जैसे कैंसर, टेंशन, परेशानी, ये शरीर के द्वारा ताप होते हैं। और दैहिक, अंदर के जो ताप होते हैं उनके द्वारा, भगवान को इनसे कोई डरना नहीं। और जैसे उनको जो भी पता चलता है, मतलब जैसे जो भी घटित हो रहा होता है वो सब पता चल जाता है। अगर जिसको नहीं पता कि भगवान कौन होते हैं, उनको आपने श्लोक भी बताया सिया ने, और उसका अर्थ भी बताया। अच्छा, आप से मैं और भी चीज़ें अब जानना चाहूँगी। आपने बोला कि आपको भगवद गीता के दो अध्याय का आपने अध्ययन किया है, तो 12वें अध्याय में आपने क्या सीखा? 12वें अध्याय में अर्जुन जी ने प्रश्न पूछे हैं, उनके द्वारा भगवान ने उनके उत्तर दिए हैं। और 15वें अध्याय में भी ऐसे ही हुआ है, उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे और कृष्ण जी ने उनके उत्तर दिए हैं। अच्छा, हमें भगवद गीता से और क्या जानने को मिलता है? हमें भगवद गीता से वो मिलता है, जैसे जो महाभारत होती है उनके द्वारा जो अर्जुन जी ने प्रश्न पूछे तो उनके भगवान जी ने उत्तर दिए हैं। अच्छा, आपको सबसे बोल सकते प्यारा श्लोक या उसमें कोई ऐसी बात भगवद गीता की कौन सी है, कोई कथा आपको अगर सुनानी है तो वो आप व्यूअर को सुनाइए। मैं एक, हमें नाम जाप करने से क्या फल मिलता है उसके बारे में कथा सुनाना चाहूंगी। जरूर, क्योंकि बहुत सारे लोग नाम जाप नहीं करते हैं, तो अगर आप ये कथा सुनाएंगे ना, वो नाम जाप भी जरूर करेंगे, तो सुनाइए। अजामिल एक ऐसा व्यक्ति था कि जिसने बहुत पाप किए, कमल बन गया, कीचड़ में रहकर कमल बन गया। संतों ने अजामिल से कहा, अजामिल ठीक है मत दे, हमें नहीं चाहिए, बता तू एक काम करेगा? ठीक है बोलिए, समर्थ में हुआ तो कर दूंगा। मेरी पत्नी अभी गर्भवती है, तेरी पत्नी अभी गर्भवती है, उसके गर्भ से एक बेटा होगा, तू उसका नाम नारायण रखना। बता तू ये कर सकता है? ये तेरे बस की बात है? हाँ, सोचिए। और यहीं से जामिल का जीवन परिवर्तित होना शुरू हो गया। घर में एक प्यारा सा पुत्र हुआ, लाडला बेटा। संत की बात याद आ गई कि संत महात्मा कह के गए थे किसका नाम नारायण रखना है। चंद घंटों की संतों का सानिध्य, मन में आया इसका नाम नारायण रख देता हूँ। नाम रख दिया गया नारायण। अब लाभ क्या हुआ? भोजन मंगाना हो तो नारायण भोजन लाओ, कहीं जाना हो तो चल बेटा नारायण साथ चल, जगाना हो तो चल नारायण जाग जा, हर बात में नारायण, हर काम में नारायण। और नारायण कहते कहते क्या हुआ, हृदय शुद्ध होता चला गया, मन की वृत्तियां नारायण नारायण कहते कहते शुद्ध होने लगी। और जब अंत समय आया, शरीर के प्राण खींचे, जीवात्मा खींचने लगी, तब कष्ट हुआ। और जब कष्ट हुआ तो दोनों हाथ उठा के चिल्लाया, हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण मुझे बचा लो। यमदूत लेके जा रहे थे, जैसे ही नारायण पुकारा, भगवान के विश्वदूत प्रकट हो गए, पार्षद प्रकट हो गए। विश्वदूतों ने कहा कि तुम ऐसे काल जा रहे हो, ये नरक जाने का अधिकारी नहीं है, स्वर्ग जाएगा हमारे साथ, वैकुंठ जाएगा। यमदूत ने कहा कि आप जानते नहीं इसने जीवन में कितने बुरे बुरे काम किए हैं, इसको और वैकुंठ, अरे वैकुंठ भी अपवित्र हो जाए ऐसा जीव वहां पहुंच जाए तो। तो विश्वदूतों ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे यमदूतो तुम नहीं जानते क्या, शास्त्र नहीं पढ़े तुमने क्या, तुम्हारे यमराज ने तुम्हें नहीं बताया, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कह आवत नाई। जन्मों जन्मों से मुनि माला फेरते हैं कि अंत समय में नाम निकल आए, उनकी जिह्वा से राम नाम नहीं निकलता, और इसके जिह्वा से अंत समय में नारायण निकला, तो इससे बड़ा तपस्वी कौन होगा, या हमारे साथ वैकुंठ जाएगा। दोनों में चर्चा हो रही और अजामिल सुन रहा है पड़ा पड़ा। उसको बड़ा आश्चर्य रहा, अच्छा मैंने तो अपने बेटे को पुकारा, मैंने नारायण भगवान विष्णु को थोड़ी पुकारा है, मैंने तो अपने बेटे को पुकारा है कि हे नारायण आ और मेरी रक्षा कर, लेकिन भगवान कहते हैं भाए कुभाए अलख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसी दसु। भाव से, बिना भाव से, कुभाव से, आलस में, क्रोध में, जैसे भी राम जपो, राम आपको फल देगा। इतनी दया होता है भगवान के नाम की, इतनी कृपा है भगवान के नाम की।
और जब अंत में अजामिल ने सोचा कि मैंने अपने बेटे को पुकारा तो उसका लाभ इतना मिला, तो सोचो अगर मन से पुकारूंगा तो कितना लाभ होगा। और लग गया भगवान नाम में भक्ति करते करते अंत में अजामिल को भगवत प्राप्ति हो गई। इसलिए कहते हैं कि हमें हमेशा नाम जाप करना चाहिए। अगर हम नाम जाप नहीं करेंगे तो हमारा भव सागर कैसे पार होगा, हम वैकुंठ कैसे जा पाएंगे। इसलिए नाम जाप जीवन में बहुत जरूरी है। और आप सभी को जब आप ये कथा सुन रहे हैं तो नाम जाप करना शुरू कर दीजिए। हम कभी कभी सोचते हैं ना अपनी लाइफ में कि कोई छोटी छोटी चीज़ हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहती, और इस छोटी सी बच्ची को, प्यारे सी बच्ची को इतने श्लोक याद हैं, इतनी कथाएं याद हैं, और कितने प्यार से कह रही है ना आप सभी को कि नाम जपो। अच्छा सिया एक चीज़ बताइए, आपको और कोई श्लोक आता है भगवद गीता का, या अगर आपको कुछ कहना हो, जो लोग पूजा पाठ नहीं करते, भक्ति नहीं करते, उनको अगर आपको कुछ कहना हो तो आप उनको कैसे समझाओगे? मैं एक श्लोक के द्वारा समझाऊंगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आपको नाम जाप करेंगे तो आपका भव सागर से पार हो जाएगा। इसलिए नाम जाप करिए, भगवान का संकीर्तन करिए, इसी के द्वारा आप भव सागर से अपने आप को पार कर सकते हैं। अपनी जो अपना जीवन है वो वैकुंठ में बिताएं, भगवान के चरणों में बिताएं, इसलिए आपको नाम जाप करना ज़रूरी है। तो अगर अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप नाम जाप करना स्टार्ट कर दीजिए। अरे ये कितनी प्यार से कह रही है कि नाम जाप करना स्टार्ट करें। जी हाँ, कलयुग है तो नाम जाप करना तो लाभ देगा उनको। मैं आपको एक और चीज़ बता रही हूँ, अगर आप ये चार चीज़ें सीख गए तो पूरी गीता आपको आ जाएगी। सबसे पहली चीज़ क्लैरिटी ऑफ थॉट, दूसरी चीज प्यूरिटी ऑफ हार्ट, तीसरी चीज सिंसेरिटी ऑफ एक्शन, और चौथी चीज स्पिरिचुअली कॉन्शियस होना। क्योंकि शरीर, बुद्धि, मन और आत्मा, ये चारों चीजें मिलकर ह्यूमन बनता है। कितनी अच्छी बात। एक चीज बताइए और मैं आपसे, क्योंकि मैं आपसे जितनी बात कर रही हूँ ना सिया से, बात करने का मन कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं छोटा सा बच्चा और कितनी अच्छी बातें कर रहा है। तो सिया एक चीज बताइए, आपको सबसे, आपके फेवरेट गॉड कौन है, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? राम जी और कृष्ण जी। राम जी और कृष्ण जी, नारायण जी। नारायण जी, उनसे जुड़ा हुआ, उनसे राम जी से जुड़ा हुआ कोई आपको श्लोक या कोई कथा आती है, या उनके लिए आप क्या कहेंगे? राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे और कृष्ण जी थोड़े बदमाश थे, चंचल थे, और वो अपनी मैया को बहुत परेशान करते थे। लेकिन राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है उनको, क्योंकि वो मर्यादा में रहते हैं। और मर्यादा में रहने से जो, देखिए आप जैसे कह सकते हैं हमारे दीदी माँ जी और दादा गुरुदेव जी के कठिन परिश्रमों के बाद, कठिन, इतनी कठिन 500 सालों बाद ये भव्य मंदिर बनाए। हमारे दीदी माँ जी इतना संघर्ष, इतना कठिन परिश्रम कर रहे हैं उन्होंने इस मंदिर, और 500 सालों के बाद टाट में रहने के बाद इस भव्य मंदिर में स्थापित हुए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। देखा, अच्छा सिया आपने ये तो बता दिया लोगों को कि राम जी कौन थे, कृष्ण जी कौन थे, तो एक चीज बताओ, आप सिर्फ भक्ति करते हो या मौज मस्ती भी करते हो? हम मौज मस्ती भी करते हैं। तो आपको गेम, कौन सा फेवरेट गेम है आपका, आउटडोर या इनडोर, पहले तो ये बताओ। आउटडोर में मेरा बैडमिंटन, स्केटिंग, और इंडोर में ध्यान। अच्छा एक और चीज पूछूं, आप भक्ति करते हो, क्या झूठ बोलना पाप होता है? बहुत बड़ा पाप होता है। पाप होता है? झूठ बोलने से क्या होता है, मतलब पाप तो है ठीक है, लेकिन उससे कुछ हमें फल भुगतने पड़ते हैं? हाँ जी, अगर आप झूठ बोलोगे तो आप नर्क में जाओगे, आपको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, आपको नर्क की प्राप्ति होगी। इसलिए झूठ बोलना छोड़ दीजिए, सच बोलिए, सच का मार्क लीजिए, झूठ का नहीं। झूठ बोलने से आपको बहुत पाप मिलेंगे, आप यमराज आपको बहुत मारेंगे। इसलिए आप स्वर्ग जाना है तो झूठ नहीं बोलना, स्वर्ग जाना है तो सच बोलिए, और अगर नर्क जाना है तो झूठ बोलिए। चॉइस आपकी है, अगर स्वर्ग जाना है तो सिया ने कहा है सच बोलिए, और अगर नर्क जाना है तो झूठ बोलिए, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। सिया और कुछ बताना चाहोगे आप, क्योंकि आपने कथा भी सुनाई, श्लोक भी सुनाया,
और कुछ ऐसी चीज जो आप चाहते हो कि व्यूअर्स जाने, उनको वो बात जाननी चाहिए, भगवान से जुड़ी हुई या श्लोक से जुड़ी हुई या कोई भी अच्छी बात जो आप उनको कहना चाहो, बस कह दो कि वो समझे सुने। मैं एक श्लोक सुनाती हूँ, उसका अर्थ भी। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञा स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इसका अर्थ है जन्माद्यस्यता, इससे जगत की उत्पत्ति पालन और संहार होता है। परमात्मा सृष्टि में संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त है परंतु दिखाई नहीं देते। अगर हमारे शरीर में कोई घाव से पीड़ा होती है तो हमें दर्द महसूस होता है। उसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण जगत भगवान का शरीर है। इसमें जो भी कुछ घटित होता है भगवान सब भलीभांति जान जाते हैं। सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। एक भजन भी सुनाऊं आपको? बहुत, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी भजन सुना दो। लोगों को आजकल भजन बहुत पसंद आ रहे हैं। राम आएंगे आपने गाया था क्या? राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, आप भी गाते थे, लेकिन पहले आप अपना भजन सुनाओ। अयोध्या अयोध्या आए मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम, हमारी आँखों के तारे हैं प्रभु राम, बोलो जय जय श्री राम। युग राम राज का आ गया शुभ दिन आज का, आ गया हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवाल है राग गया गाहे अवध का, राग जी गूंजा है विजय का, भाग जी योगी संतों की अखियों से झलका है प्रेम अनु राग जी, सज धज के ओ सज धज के आए मेरे प्यार राम, बोलो जय जय श्री राम, हमारी आँखों के तारे हैं प्रभु राम, बोलो जय जय श्री राम। युग राम राज का आ गया शुभ दिन आज का, आ गया हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवाल है रा गया घर घर भगवाल है रा गया घर घर भगवाल है रा गया। जय श्री राम जय श्री राम। तो बहुत अच्छा भजन भी सुना दिया सिया ने। सिया, कोई और ऐसी चीज दीदी माँ के लिए या भैया जी के लिए या कोई ऐसी अच्छी चीज जो आप हमें सुनाना चाहो? कविता। कविता। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए कुछ कर जाए, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे अपनी हद रोशन करने से, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, दीदी माँ जी की उंगली थामकर मैंने चलना सीखा है, दीदी माँ जी की उंगली थामकर मैंने चलना सीखा है। मैं वात्सल्य में लिखी कविता, मैं वात्सल्य में लिखी कविता, मुझको संस्कारों ने सींचा है, दीदी माँ जी के आंचल में पलकर मैंने दुनिया को देखा है। तूफानों सा शोर नहीं, तूफानों सा शोर नहीं, कल कल बहता जल हूँ मैं, दीदी माँ जी के संस्कारों का आने वाला कल हूँ मैं। दीदी माँ जी का धाम मिला, दीदी माँ जी का धाम मिला, पावन परमानंद नाम मिला, और भला क्या आस है मुझको, इतना खुशहाल परिवार मिला, मुझे दीदी माँ जी का प्यार मिला, मुझे दीदी माँ जी का प्यार मिला। प्यारी सी कविता जो हमारी प्यारी सी सिया ने सुनाया। दीदी माँ जी के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे आप? दीदी माँ जी तो हमारी माँ है। तो बहुत अच्छी बात, और बहुत ही अच्छी बातें की सिया ने, हर तरीके की चीजें बताई। उसने भजन भी सुनाया, श्लोक भी सुनाया, उसने बताया कि झूठ बोलने से
कहीं जाना पड़ता है, और कहाँ जाना पड़ता है वीडियो आप इंटरव्यू देख लीजिए पूरा, बाकी उसने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं, देखिए। और कुछ अगर सिया से पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, इसकी प्यारी सी आवाज़ में कोई भजन सुनना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, मैं आपके साथ फिर से सिया का कोई इंटरव्यू लेकर आऊँगी या उससे बातचीत लेकर आऊँगी। फिलहाल के लिए सिया इनको बाय बाय कर दें। नमस्कार। अरे एक बार ही बोल दीजिए इनको कि देखते रहिए धर्मा लाइव, देखते रहिए धर्मा लाइव। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें, नमस्कार।